वापसियों के वोटिंग में इजाफा। आदिवासियों ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 15% ज्यादा मतदान हुआ। आदिवासियों की बंपर वोटिंग से बीजेपी कांग्रेस ने जीत का दावा भी किया है। तो आदिवासियों ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और 15% वोट ज्यादा पड़े हैं इस बार आदिवासियों के, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस अपनी जीत का दावा करती नजर आ रही है। देखिए, जनजाति वर्ग के साथ अत्याचार तो कांग्रेस ने किया और सबसे बड़े अत्याचार करने का काम तो माननीय कमलनाथ जी ने किया। आप देखिए, छिंदवाड़ा और बैतूल दो लोकसभा सीट हैं जिसमें कि बैतूल में कम जनजाति वर्ग के बंधु रहते हैं, लेकिन उसको जनजाति सीट घोषित कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी ने अपने गढ़ को बचाने को, अपने नकुलनाथ को बढ़ाने के लिए, जो हम कहते हैं परिवारवाद को बढ़ाती है कांग्रेस, उस परिवारवाद को बढ़ाने के लिए कमलनाथ जी ने ये महापाप किया था। आज देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार 7,70,000 लगभग 7,70,000 आदिवासी छिंदवाड़ा में रहते हैं और 6,70,000 आदिवासी बैतूल में रहते हैं। तो आप सोचिए, छिंदवाड़ा को होना चाहिए था आदिवासी सीट, लेकिन छिंदवाड़ा को नहीं किया गया आदिवासी, तो महापाप किया। आदिवासियों के ऊपर मध्य प्रदेश में जितने अत्याचार पिछले 4 साल में हुए हैं, शिवराज शासन काल जो दोबारा लूट की सत्ता पाई और पूर्व में भी होते रहे, मतलब पिछले 3 साल में तो अति हो गई है। आप देखो, हमने आदिवासियों को मुंह पर पेशाब करते देखा, भाजपा नेताओं को उनको चप्पलों से पीटते देखा, दलितों के शरीर पर मल मलते हमने भाजपा नेताओं को देखा, और आदिवासी वर्ग ने निश्चित तौर पर ये सोच समझ के इस बार मत अपना दिया होगा। ये कितने भी बड़े बड़े प्रपंच कर लें, बड़े बड़े इवेंट कर लेंगे, आदिवासी भाई बहनों को मालूम है कि हमको मुख्य धारा से, जीवन की विकास से दूर रखने वाले यही भाजपा के लोग हैं। तो उन्होंने जब अपना इस बार मताधिकार का प्रयोग किया, वो सारी बातें उनके दिमाग में होगी और निश्चित तौर पर उन्होंने कांग्रेस को भरपूर समर्थन दिया।